On Jawahar Sarkar quitting from his post, TMC MP Kunal Ghosh has said it's his personal decision and no one can comment on it. He's further stated that TMC workers have been working like soldiers under the leadership of West Bengal CM Mamata Banerjee and Abhishek Banerjee. एक जहर सरकार जी एक स्टैंड लिया है, एक खत लिखा है। देखिए, जहर सरकार बहुत रिस्पेक्टेड, वो देश का एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट और बंगाल का तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेट जो भी है उस लिस्ट में जहर सरकार का नाम रहेगा। तो ये उनका पर्सनल स्टैंड है, पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल लेटर है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। उनका पूरा हक है, खुद के बारे में कोई डिसीजन लेने का पूरा हक जहर सरकार जी का है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जहर सरकार का जो लेटर का जो कंटेंट है, मैं लाइन टू लाइन एनालिसिस नहीं करूंगा, जो स्पिरिट है, जो कंसर्न है, जो जो क्वेश्चंस है उसके उसमें एक 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 बड़ा पार्ट के साथ हम लोग भी सहमत है। हम लोग भी ये सिविक सोसाइटी का जो सेंटीमेंट है हम लोग उसके साथ है, लेकिन जहां Reni Datta is joining us for more on this story. Reni, Kunal Ghosh has reacted as well to the resignation. What has the TMC's senior leader said? कि जहर सरकार का आज जो resignation submit किया गया है, इसको लेकर जब चर्चा चल रहा है, एक pressure TMC के ऊपर आ गया है बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था आर्चिकोर इंसिडेंट को लेकर former MP शांतनु सेन की तरफ से कमेंट आया था, उसके बाद चंद्रशेखर रॉय उनके तरफ से भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। चंद्रशेखर रॉय बार बार से सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे थे, मगर उसके बाद आर्चिकोर इंसिडेंट को लेकर पहली बार एमपी या एक एमपी का रेजिग्नेशन टीएमसी के ऊपर एक भरे प्रेशर है, और इसको ये प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आज कुणाल घोष की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुणाल घोष की तरफ से ये कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस का अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो फिलहाल पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस का जो भी कर्मियों है, जो भी तृणमूल कांग्रेस के साथ मिले हुए है, उन लोगों को इकट्ठा होकर एक सोल्जर की तरह काम करना पड़ेगा ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। मगर दूसरी तरफ जहर सरकार का ये जो रेजिग्नेशन, ये रेजिग्नेशन का चिट्ठी का जो बयान, ये बयान देखते हुए कुणाल घोष की तरफ से भी कहा गया है कि जहर सरकार का ये डिसीजन उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है, मगर उसमें जो कंटेंट लिखा गया है वो कंटेंट में ऐसा बहुत कुछ है जिसको तृणमूल का जो कर्मियों है उनके तरफ से भी सपोर्ट किया जाता है। यानी आर्चिकोर मेडिकल कॉलेज का ये इंसिडेंट का जो जस्टिस का डिमांड, ये जस्टिस का डिमांड उनकी तरफ से भी किया गया था, ये जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है इसके बारे में भी बात किया गया था, प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है इसको लेकर भी ये चिट्ठी में मेंशन किया गया था, इसको लेकर ही आज कुणाल घोष की तरफ से ये बयान आया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कुणाल घोष की तरफ से ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तृणमूल कांग्रेस का जो अभी का जो मेंबर्स है, अभी जो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक मेंटल स्ट्रेंथ देने का कोशिश कुणाल घोष की तरफ से किया गया है, क्योंकि एक तरफ जब पॉलिटिकल सिनेरियो पश्चिम बंगाल में बिगड़ रहा है, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये पूरा आर्चिकोर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट को लेकर एक प्रेशर आ रहा है, और ये प्रेशर को कंट्रोल करना अभी तृणमूल कांग्रेस के लिए एक चैलेंज है, और उसी चैलेंज को सामने रखते हुए कुणाल घोष की तरफ से दूसरा जो पार्टी मेंबर्स है, जो वर्कर्स है, उनको मोटिवेट करने का कोशिश किया गया है, या तो बोल सकते हैं एक डैमेज कंट्रोल करने का कोशिश भी अभी तृणमूल की तरफ से किया जा रहा है, जो कुणाल घोष के ये बयान से भी सामने आ रहा है। तब अभी देखना होगा कि ये जो आर्चिकोर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट, इसको लेकर जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के अंदर में एक टसल चल रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि पिछले एक महीने यानी 9 अगस्त ये जब घटना घटा था, इस घटने के बाद जब लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा देश भर में, उसी सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप, जो लीडरशिप है उनके तरफ से जो कमेंट आ रहा था, वो कमेंट को लेकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर में ही एक चर्चा चल रहा था, क्योंकि पहले तो
तृणमूल कांग्रेस का जो फॉर्मर राज्यसभा का एमपी था शांतनु सेन, वो भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो रैगिंग कल्चर, इसको लेकर चर्चा किए थे। इसको लेकर ये शांतनु सेन को टीएमसी का जो स्पोक पर्सन, ये डिजिग्नेशन से हटा दिया गया था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का राज्यसभा का एमपी सुकेंद्र शेखर रॉय, वो खुद प्रोटेस्ट में उतरे थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इंसिडेंट में। लास्ट टाइम भी लास्ट 4 तारीख को भी उनके तरफ से, सुकेंद्र शेखर रॉय के तरफ से जो मोमबत्ती मिशिल हुआ था, मोमबत्ती लेकर रैली किया गया था, उस रैली में भी सुकेंद्र शेखर रॉय दिल्ली में मोमबत्ती लेकर खड़े होकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये जो जस्टिस का डिमांड उनके तरफ से किया गया था। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट उनके तरफ से किया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का और एक एमपी, लोकसभा का एमपी दीपक अधिकारी यानी देव, जो एक्टर देव है, उनके तरफ से भी बहुत सारे कमेंट किया गया है, जिसको लेकर भी तृणमूल कांग्रेस के अंदर में बहुत सारी चर्चा चल रहा था। इसी सिचुएशन में तृणमूल कांग्रेस का राज्यसभा का एमपी ये जहर सरकार का ये जो रेजिग्नेशन, जिस रेजिग्नेशन का चिट्ठी आज उनके तरफ से खुद नहीं सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया है, जिस लेटर में ममता बनर्जी को डायरेक्ट ये पूरा घटना के लिए राज्य सरकार का जिम्मेदारी लेना चाहिए और राज्य सरकार के ऊपर ये पूरा आरोप आता है, ऐसा कमेंट भी आज जहर सरकार की तरफ से किया गया है जो इस चिट्ठी में। और ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो राज्य सरकार का भूमिका या तृणमूल कांग्रेस का जो भूमिका, वो देखते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन करने का सोच लिया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.